हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 इंग्लिश, द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद. ही इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, मुल्क राज आनंद. इन दिस चैप्टर, सो इट वॉज़ द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. वो स्प्रिंग के टाइम का फेस्टिवल था. इट इज़ अ सीज़न. उस टाइम का एक फेस्टिवल था जहाँ पे एक फेयर था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. वहाँ पे विंटर की शेड्स, ही मीन्स विंटर टाइम, इट वॉज नैरो लेन्स. यहाँ पे पतली पतली गलियाँ थी. एंड एलीज, एलीज मीन्स भी गलियाँ. इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. वहाँ से क्या निकलता है, एक ब्राइट कलर के क्लोथ पहने हुए एक बॉय आता है. ब्राइट कलर्ड बॉय. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग वहाँ पर walk कर रहे थे, कुछ लोग ride कर रहे थे horses पर, others sat. And some people were carried in bamboo and bullock carts. Bamboo और bullock carts के जो tongs होते हैं उनके अंदर वो जा रहे थे. One little boy ran after between his father's legs, brimming over with life and laughter. वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है अपने फादर के लेग से, बीच में से, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. वो अपनी लाइफ और लाफ्टर से खुश हुआ था. अपनी लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था. चेरी. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. उनके पेरेंट्स बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा. ही एज ही लेग बिहाइंड, फिर वो पीछे छुप जाता है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. उस रास्ते में जो भी टॉयज़ की शॉप थी उनसे वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है उनको देख के, उनको खरीदने के उसका मन होता है. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. उसके उनके उस बच्चे के जो फीट थे वो अपने पेरेंट्स की कॉल के बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट थे. जैसे ही उन्होंने बुलाया वो वैसे ही चला गया. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आँखें जो थी वो जो पीछे जो टॉयज छूटते जा रहे थे, रिसीडिंग मीन्स जो पीछे छूटते हुए टॉयज थे उनके ऊपर ही थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well know he the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही उनके पेरेंट्स उसका वेट करने के लिए स्टॉप हुए, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया अपने हार्ट की फॉर परचेजिंग द टॉयज़. बट स्टिल ही न्यू दैट उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, वो उसको नहीं दिलाएंगे. उनको एक अच्छा सा रिफ्यूज़ल दिख रहा था उस बच्चे को उनकी आइज़ में. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, बट स्टिल ही प्लीडेड टू देयर पेरेंट्स दैट ही वॉन्टेड द टॉय, उसको वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैलेंट्स वे. उसके फादर ने उसको रेड आइड बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली देखा. इन हिज फैमिली टैलेंट्स वे, टैलेंट्स वे मीन्स डोमिनेटिव वे, डोमिनेंट वे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, look child, what is before you. Uski jo mother thi wo melt ho gayi thi by the free spirit of the day, and wo tender means kindly, bahut hi kindly usko finger dikhati hai and kehti hai, dekho child, what is before you, ke tumhare piche kya hai. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वो एक फ्लोर, एक मस्टर्ड का एक फील्ड था जो एक मेल्टिंग गोल्ड की तरह पेल कलर का दिख रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा लैंड में फैला हुआ था, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, वो वहाँ पर बसल कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, देयर गॉडी पर्पल विंग्स. गॉडी मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा फेंट कलर होता है, डार्क कलर. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. वो जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था वो एक लोन ब्लैक बी या फिर बटरफ्लाई के ग्रुप के बीच में से जा रहा था फ्लावर्स के अंदर स्वीटनेस को ढूंढने के लिए. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल हिज विंग्स एंड रेस्ट. जो चाइल्ड था वो उसके पीछे भागा बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली, बहुत ही ज़्यादा खुश होकर.
टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल हिज विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि वो एक को उसके विंग्स को पकड़ ना ले. एंड वुड ट्राई टू कैच इट, उसको पकड़ने का उसने ट्राई किया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, बट स्टिल वो उड़ता जी ही जा रहा था. फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब ऑलमोस्ट वो उसे पकड़ लिया वो उड़ गया. Then his mother gave a cautionary call, come child, come, come on the footpath. Then his mother उसको एक cautionary means protective call देती है कि आओ बच्चे footpath पे आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. वो अपने पेरेंट्स की तरफ गेली खुश होकर आता है एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, उनकी तरफ बहुत ही धीरे धीरे आता है, थोड़ी देर के लिए चलता है. सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन. फिर वो क्या देखता है, पीछे किससे अट्रैक्ट हो जाता है, लिटिल इंसेक्ट और वॉर्म्स से अट्रैक्ट हो जाता है जो फुटपाथ से बाहर आ रहे थे. टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट क्यों आ रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. इन सब से पता चलता है जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाता था, बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था. ओके, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वॉल. वेल, उसके पेरेंट्स उसको वापस बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, जब वो वहाँ पे जब वो ग्रोव के पास बैठे हुए थे, वेल की कुएं की एज के पास बैठे हुए थे. ही रन टुवर्ड्स देम, वो बच्चा उनकी तरफ भाग कर आता है. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो ग्रोव के अंदर एंटर करता है वो फ्लावर्स के उसके ऊपर शावर होती है, बारिश होती है. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है and then he started to catch those petals in his hands. उन उड़ती हुई petals को अपने हाथ में पकड़ने का ट्राई करता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. But still, he forgot those parents and वो cooing of doves की आवाज़ सुनता है, अपने parents की तरफ move करता है, ये चिल्लाता है कि वहाँ पर dove है. But and वो अपने उसके हाथों में जो flowers थे वो उनको drop कर देता है. Come child, come, they called to the child, उन्होंने फिर से child को बुलाया. Who had now gone रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स थ्रू द बैनियन ट्री, जो अब क्या कर रहा है, बैनियन ट्री के चारों तरफ जो वाइल्ड केपर्स है, जंगली जो पेड़ होते हैं उनकी तरफ मूव कर रहा है, रन कर रहा है. एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और फिर क्या कर रहा है, गैदरिंग हिम अप, उन वाइल्ड केपर्स को गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है. टू द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और फिर उस फुटपाथ की तरफ मूव कर रहा है, जो क्या कर रहा है, मस्टर्ड फील्ड की तरफ जा रहे थे, उसके तरफ जा रहा था. एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जैसे ही वो विलेज की तरफ पहुँचे बच्चे ने और क्या देखा, फुटपाथ देखे फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, वहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे थ्रॉन्ग्स, छोटे छोटे एनिमल्स थे. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वहाँ पे क्या थे, जो वो एनिमल्स थे वो उस फेयर के वर्लपूल को इन्जॉय कर रहे थे, वहाँ पे आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और फिर क्या हुआ, वहाँ पे भीड़ हुई, एकदम से अचानक से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई और वो रिपेल हो गई, आपस में बिछड़ गई. एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, एंड ही वॉज फैसिनेटेड, उस जो इस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था, जिस नए वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था, वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था और कन्फ्यूज भी था. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक स्वीट मीट सेलर था, वो बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. वहाँ पे क्या था, वो ये सब चिल्ला रहा था अपने सेल करने के लिए, और वो कहाँ पे था, एंट्रेंस के कॉर्नर पे था. एक जैसे एक क्राउड पास हुई, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलर्ड स्वीट्स थी, जिसको देख के वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गया था. और वो जो स्वीट्स थी डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड की लीव से डेकोरेट करी गई थी. द
The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. बच्चे ने वहाँ पे ओपन आइड देखा, उसका माउथ वाटर हो गया फॉर बर्फी जो उसकी फेवरेट स्वीट थी. उसने कहा आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर, वो धीरे से मर्मर किया, उसने धीरे से बोला. बट ही हाफ न्यू एज ही बैक दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. लेकिन वो जानता था, आधा उसको पता था कि जो उसकी प्लिया, उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो नहीं सुनी जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो तो ग्रीडी है, उसको नहीं दिलाना, वो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो उसने कोई भी आंसर का वेट नहीं किया, वो आगे चला गया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, वहाँ पे एक फ्लावर सेलर था, फ्लावर बेचने वाला था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वहाँ पे गुलमोहर की एक माला थी, वो क्या बेच रहा था? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन. अब उस बच्चे से वापस से कंट्रोल नहीं हुआ. इररेजिस्टिबली मीन्स कंट्रोल नहीं होना. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वहाँ वो क्या गया? उस basket की तरफ गया जहाँ पे flowers ऐसे बिखरे हुए थे और वो वापस से half murmur किया. I want that garland. वो बोलता है कि अब मुझे ये garland चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. लेकिन वो जानता था कि उसके parents उसको वो flowers भी नहीं दिलाएंगे, refuse कर देंगे. Because they would say that they were cheap. क्या बोलेंगे वो? कि वो तो cheap हैं. So without waiting for an answer he moved on. उसने still answer का कोई wait नहीं किया और वो move on कर गया. I'm again repeating this chapter. इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग का फेस्टिवल होता है, एक बच्चा आता है. कुछ लोग वहाँ पे वॉक कर रहे थे, हॉर्सेस पे राइड कर रहे थे, बैठे हुए थे, बैम्बू और बुलक कार्ट्स पे मूव कर रहे थे. फिर वहाँ पे एक बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स की कॉल को ओबीडियंटली सुनता है, फिर उसके पास जाता है. लेकिन जो टॉयज़ थे वहाँ पे वो उनको इग्नोर नहीं कर पाता. ओके, उसकी इच्छा थी कि वो टॉय को खरीदे, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे. लेकिन स्टिल वो कहता है कि मुझे टॉय चाहिए. उसके फादर उसे गुस्से में देखते हैं, डोमिनेंट वे से देखते हैं, लेकिन उसकी मम्मी को उस पर दया आ जाती है. वो कहती है कि देखो बच्चे, तुम्हारे पीछे क्या है? पीछे क्या होता है? एक फ्लोरिंग मस्टर्ड फील होता है जो एक मेल्टिंग गोल्ड की तरह दिख रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड पर फैला हुआ होता है. फिर वहाँ पर क्या होता है, ड्रैगन फ्लाइज आती हैं जो ब्लैक बी और बटरफ्लाई के ग्रुप को इंटरसेप्ट करती आती है, बीच में से आती है. और वो क्यों आ रही थी? फ्लावर्स की स्वीटनेस को ढूंढने के लिए आ रही थी. बच्चा उनके पीछे पीछे भागता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके पेरेंट्स उसे बुला लेते हैं कि आओ बच्चे, फुटपाथ पे आ जाओ. वो अपने पेरेंट्स की बात को सुनता है और फिर उनकी तरफ मूव करता है. फिर वहाँ पे लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म्स बाहर आने लगते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. फिर वो उनको देख के अट्रैक्ट हो जाता है. उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुला लेते हैं, आओ बच्चे आ जाओ. फिर वो उनकी तरफ चला जाता है. वो पेरेंट्स उसे वेल के एक एज पे बुलाते हैं, ग्रोव पे जहाँ पे वो बैठे हुए थे. वो उनकी तरफ चला जाता है. जैसे वो जाता है, उसके ऊपर यंग फ्लावर्स, मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स की बारिश होती है. वो अपने पेरेंट्स को भूल के उन फ्लावर्स को इकट्ठा करने का ट्राई करता है. लेकिन जैसे ही वो इकट्ठा करता है, उसको डव्स के कुइंग की आवाज़ आती है. डव्स बोलते हैं उसको, कुइंग बोलते हैं. फिर वो पेरेंट्स को चिल्ला के बोलता है, पेरेंट्स द डव द डव. फिर उसके हैंड में जो फ्लावर्स थे वो छोड़ देता है. उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम. वहाँ पे वो वाइल्ड, जब वो, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, बैनियन ट्री के चारों तरफ जो वाइल्ड केपर्स हैं उनके चारों तरफ मूव कर रहा है और उनको इकट्ठा कर रहा है. फिर मस्टर्ड फील्ड की तरफ जा रहा है. जैसे ही वो विलेज की तरफ पहुंचता है, उस वो फुटपाथ से बहुत ज़्यादा थ्रॉन्ग्स देखता है. लेकिन फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसके कारण से वो अपने पेरेंट्स से पिछड़ जाता है, रिपेल हो जाता है. वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर होता है जो स्वीट्स को अपने बेच रहा होता है, और वो एक एंट्रेंस के कॉर्नर पर ही होते हैं. वहाँ पे बच्चा देखता है कि वो उसकी फेवरेट स्वीट होती है बर्फ़ी. वो बोलता है मुझे बर्फ़ी चाहिए, धीरे से बोलता है. लेकिन वो जानता है कि अगर कि उसकी इच्छा नहीं मानी जाएगी, कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है. तो कोई भी आंसर का वेट नहीं करता, आगे चला जाता है. फिर वहाँ पे एक फ्लावर सेलर आता है, फूल बेचने वाला आता है. वो बेचता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की एक माला बेचता है. बच्चा वहाँ पे फिर से वो सब देख के उसको अच्छा लगता है, उसको ख़रीदने का मन होता है.
एंड देन ही अगेन मर्मर्ड दैट ही वांटेड गार्लैंड, उसको गार्लैंड चाहिए. लेकिन फिर से वो जानता है उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो ऐसे बोलेंगे कि दैट देवर चीप, कि वो बहुत ही ज़्यादा चीप है. फिर से वो किसी आंसर का वेट नहीं करता, वो आगे चला जाता है. इन दिस वीडियो वी विल लर्न टिल दिस, नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.